16 महीने से मणिपुर जल रहे हैं, हाल ही में दर्जन भर लोग घायल हो चुके हैं। चारों तरफ मणिपुर में प्रोटेस्ट, हमला, दंगा हो रहे हैं। रॉकेट लॉन्चर यानी आरपीजी से मणिपुर में हमला हो रहे हैं। और आरपीजी को कंधे या कहीं पर रख करके हमला किया जाते हैं। मणिपुर के कई जिलों में कर्फ्यू लगाए हुए हैं और इंटरनेट भी बैन है। मणिपुर के हालात काफी खराब है। मोदी सरकार एक बार भी मणिपुर नहीं जाएंगे, विदेश जा सकते हैं लेकिन मणिपुर मोदी सरकार एक बार भी नहीं जा सकते हैं। मणिपुर के आसपास के राज्यों में मोदी सरकार जा सकते हैं लेकिन मणिपुर नहीं जा सकते हैं। वो चुनाव में मणिपुर नहीं जाते, उसके बगल के राज्यों में होकर लौट आते हैं। वो अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, ग्रीस, रूस, यूक्रेन सब जगह घूमाते हैं, बस मणिपुर नहीं जाते हैं। स्वीकार्य है कि इस देश का प्रधानमंत्री ने एक राज्य को अपने हाल पर जलने के लिए छोड़ दिया है, कोई आक्रोश नहीं है। आपके देश का एक राज्य मणिपुर, 60,000 से 65,000 महिलाएं और बच्चे आज की तारीख में भी विस्थापित हैं। कौन जवाब दे है? Who is answerable? ये सवाल है अपने आप में। मणिपुर में एक पूर्व मुख्यमंत्री का घर पे रॉकेट से हमला हो रहा है। मणिपुर के राज्यपाल के घर पर पत्थरबाजी होती है। मणिपुर में सुरक्षा बलों पर हमला होता है, उनके शस्त्र छीनने की कोशिश हो रही है। तो ये क्या हो रहा है मणिपुर में? मणिपुर में इंटरनेट बैन कर दिया जाता है। मणिपुर के तमाम जिलों में कर्फ्यू लगा हुआ है। मणिपुर में छात्र और युवा सड़कों पर हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। मणिपुर की पूर्व गवर्नर, जो फुल टाइम गवर्नर थी, जो मणिपुर के हालातों को अच्छे से समझ रही थी, जो उनकी व्यथा को समझ रही थी, वो कह रही है हालात बहुत गंभीर हैं, उनको हटा दिया गया है। और इस देश के प्रधानमंत्री के पास एक मिनट का वक्त नहीं है कि वो मणिपुर चले जाए। चुनाव में मणिपुर नहीं जाते, उसके बगल के राज्यों में होकर लौट आते हैं। वो अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, ग्रीस, रूस, यूक्रेन सब जगह घूमाते हैं, बस मणिपुर नहीं जाते हैं। बताइएगा दोस्तों, मणिपुर का हालात किस तरह का है? बहुत ही खराब है, आपको कह नहीं सकते हैं, इस तरह का हालात है। ड्रोनों से भी हमला किया जाता है, यानी ड्रोन से हमला करके ही वो जो घटना हुआ था, 10 से 12 आदमी का डेथ हो चुका था, ड्रोनों से हमला हुआ। इतनी हाईटेक टेक्नोलॉजी वाले हथियार कहां से आ रहे हैं? ड्रोन कहां से हमला कर रहे हैं? रॉकेट कहां से लॉन्च हो रहे हैं? आज आरपीजी हर हाथ में है मणिपुर के, कहां से आ रही है ये? ये सिर्फ सुरक्षा व्यवस्था का फेलियर नहीं है लॉ एंड ऑर्डर का स्टेट में, ये होम मिनिस्ट्री का, ये डिफेंस फोर्सेस का और ये प्रधानमंत्री का फेलियर है। इसमें तनिक भी दो राय नहीं है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। और फेलियर सबसे बड़ा यह है कि इस देश का चुना हुआ प्रधानमंत्री के अंदर ना ये मर्यादा है, ना नैतिकता है कि वो 16 महीने से जलते हुए एक राज्य में जाए। इससे बड़ा विफलता और क्या होगी? स्टूडेंट चारों तरफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, देख लेना। तो वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा।